आज हम आपको शीर्ष अंगुष्ठ योगासन, योग करने की विधि व उसके लाभ के बारे में बताने जा रहे हैं। यह खड़े होकर करने वाला एक आसान सा आसन है। किसी भी योग, यौगिक क्रिया, ध्यान, प्राणायाम को करते समय एक प्रसन्न चित्त मुद्रा रखें और मंद मुस्कुराहट के साथ किसी भी योग अभ्यास को करें, जिससे योग का लाभ दोगुना मिलता है। शीर्ष अंगुष्ठ योगासन। इस आसन में शीर्ष यानी सर को पैर के अंगूठे के पास लाया जाता है, इसलिए इस योग विधि का नाम शीर्ष अंगुष्ठ योगासन है। इस आसन को करने के लिए पहले पैरों को पूरी तरह फैलाकर खड़े हो जाएं, जितना फैला सकते हैं। अब श्वास लेते हुए हाथों को पीछे की ओर ले जाएं, उंगलियों को एक दूसरे फंसाते हुए श्वास तानते हुए ऊपर खींचे, श्वास छोड़ते हुए एक पैर को घुटने को मोड़ते हुए नीचे झुकें और माथे को नीचे अंगूठे के पास छुआने का प्रयास करें और इस स्थिति में 4 से 5 सेकंड रुके, फिर श्वास लेते हुए सामान्य स्थिति में आए। केवल इस आसन को कर रहे हैं तो 5-5 बार दोनों तरफ से अर्थात 10 बार करें। अन्य आसनों के साथ इस योगाभ्यास कर रहे हैं तो 2-2 बार अर्थात 4 बार करना पर्याप्त होगा। जिन लोगों को ध्यान लगाना आता है, वे मणिपुर चक्र पर या शरीर में जहाँ कहीं तनाव हो रहा हो, अपने ध्यान को वहाँ रखें। इस आसन के अभ्यास से रक्त संचार का पूरा प्रवाह चेहरे पर आता है, जिससे चेहरा स्वस्थ व सुंदर होता है। याददाश्त बहुत अच्छी होती है। यह आसन घुटनों के पीछे की मांसपेशियों को तानता है और मेरुदंड में पार्श्विक खिंचाव उत्पन्न करता है। यह तंत्रिका तंत्र को उद्दीप्त करता है और भूख को बढ़ाता है। उदर संबंधी बीमारियों एवं कब्ज को दूर करता है। यह आसन कमर के चारों ओर की अतिरिक्त चर्बी को घटाता है। इसके नियमित अभ्यास से हैमस्ट्रिंग पेशियां मजबूत होती हैं। जो लोग रनिंग करते हैं, उनके लिए बहुत लाभकारी आसन है। हाथ व कलाई भी मजबूत होती है। पीठ के ऊपरी भाग का अच्छा व्यायाम हो जाता है। चेहरे के दोष दूर होते हैं। नेत्रों, कान, नाक के लिए भी यह एक अच्छा आसन है। यह आपके चेहरे को भव्य तथा याददाश्त को दिव्य बनाने वाला योगाभ्यास है। इस आसन में शरीर को ऊपर उठाते समय संतुलन बनाने के अधिक प्रयास से बचने के लिए पैर को मोड़े रखें और उसे तभी सीधा करें जब धड़ सीधा हो जाए और फिर शरीर को पुनः बीच में लाएं। इस योगाभ्यास से मणिपुर चक्र स्वस्थ, सक्रिय व संतुलित होता है। हृदय रोग, उच्च रक्तचाप, पीठ की समस्याओं, स्लिप डिस्क व साइटिका से पीड़ित व्यक्ति या जिनके पीठ के निचले भाग में संक्रमण हो, ऐसे पीड़ित व्यक्ति इस योगाभ्यास को न करें। जिनके कमर में दर्द रहता है, वे भी इस योगाभ्यास को करने से बचें। तो यह था शीर्ष अंगुष्ठ योगासन करने की विधि व उसके लाभ।